मैथमेटिक्स मिड टर्म क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्लास 10 2024-25 पूरा मैथमेटिक्स का मिड टर्म का पूरा क्वेश्चन पेपर तुम्हारे इसी क्वेश्चन पेपर डिजाइन से बनने वाला है। अगर तुम इसको समझ गए ना भाई, एक एक क्वेश्चन तुम निकाल लोगे भाई ये क्वेश्चन तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम में आने वाला है। टीचर मैथमेटिक्स के तुम्हारे इसी क्वेश्चन पेपर डिजाइन से तुम्हारा मैथमेटिक्स का मिड टर्म का पेपर बनाएंगे। और भाई तुमने अगर इसको समझ लिया और कर लिया ना भाई, 80 में 80 ना भाई, तुम्हारे गारंटी है मिड टर्म के एग्जाम में। इस बार की गारंटी है, मैथमेटिक्स में एक नंबर तुम्हारा नहीं कटेगा, 80 में 80 कंफर्म है तुम्हारे मिड टर्म के एग्जाम में, अगर तुमने ये डिजाइन समझ लिया। सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स मिड टर्म का 100% पेपर यहां से बनने वाला है। हाँ यार, ये कोई भी क्लिकबेट वीडियो नहीं है, बिल्कुल ही रियल वीडियो। तुम्हारे सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के मिड टर्म एग्जाम का पूरा पेपर यहां से बनने वाला है। अभी यार तुम्हारे जुलाई चल रहा है, जुलाई अगस्त तुम्हारे एक महीना तुम्हारे हाथ में, सितंबर में तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और उस मिड टर्म एग्जाम में टोटल तुम्हारे 7 चैप्टर है, टोटल तुम्हारे मैथ्स की बुक में 14 चैप्टर है, 14 का आधा तुम्हारा 50% सिलेबस आ रहा होता है, 7 चैप्टर तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में आने वाले हैं। और इन 7 चैप्टर से तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर बनने वाला है मिड टर्म एग्जाम में। तो भाई साहब तुम्हारे पास सिर्फ एक महीना, अब तुम्हें सीरियस होना पड़ेगा, बिल्कुल सीरियस तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम है और उस मिड टर्म एग्जाम के नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में ऐड होते हैं। तो तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मिड टर्म एग्जाम का पेपर बनता कहां से, उसमें क्वेश्चन आते कहां से। तुम्हारा जो मिड टर्म का पेपर जो बनता है उसका जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है, वो जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है वो मैं आज की वीडियो तुम्हें दिखा दूंगा कि तुम्हारा जो टीचर रहता है वो आखिर में क्वेश्चन बनाता कहां से। और वो डिजाइन देखने के बाद ना यार मेरी इस बात की गारंटी, तुम्हें एक एक क्वेश्चन पता चल जाएगा कि तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले, क्योंकि ऑल इंडिया में एक ही क्वेश्चन पेपर डिजाइन चलता है तुम्हारा, उसी को देखकर तुम्हारा टीचर क्वेश्चन पेपर बनाता है। अगर तुम्हें पता चल गया ना भाई कि वो क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा है, क्वेश्चन कहां से वो डालने वाला है, मेरी इस बात की गारंटी भाई मैथमेटिक्स में तुम्हारे 80 में 80 कंफर्म है, कोई हिला नहीं पाएगा, रोक नहीं पाएगा। बस मैं तुमसे इतना चाहता हूं 10 मिनट तुम कान लगा के सुन लेना कि क्या बात है भाई, 10 मिनट तुम सुन लेना, तुम्हें पता चल जाएगा पूरा क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्या होता है। 10 मिनट तुम अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना, एक चीज नोट कर लो कि भाई तुम्हें बिल्कुल पता चला कि तुम्हारा क्वेश्चन पेपर डिजाइन कैसा होने वाला, तुम्हारा पेपर कैसा बनने वाला, टीचर तुम्हारा पेपर कैसा बनाने वाला है। अब बिल्कुल तुम्हारे मिड टर्म के मैथ्स के एग्जाम में भाई 80 में 80 गारंटी है, एक क्वेश्चन उससे बाहर से नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम क्वेश्चन पेपर डिजाइन से आएगा। बस 10 मिनट तुम ध्यान से सुनना, ठीक है, हम लोग चलते हैं वीडियो पे। और आज की वीडियो थोड़ी ज्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हमने क्लास 10 के हर एक बच्चे के लिए 2 बड़े सरप्राइज गिफ्ट प्लान करा है, हर एक बच्चे के लिए जो मिड टर्म में 98% गारंटी करवा देंगे उनका, हर एक बच्चे के लिए गिफ्ट है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, 2 बड़े गिफ्ट है, ठीक है, हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि तुम्हारे मिड टर्म का पेपर कहां बनता है और कौन बनाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे लिए, तुम ध्यान से सुनना। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि मिड टर्म का पेपर हमारे स्कूल में ही बनता है, ये बात आधी सच है, पूरी सच नहीं है, क्योंकि भाई मेरे बहुत सारे मिड टर्म के पेपर बनाने वाले टीचर से पर्सनल कॉन्टैक्ट्स रहे हैं, मैं पेन पकड़ के बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा, पर्सनल कॉन्टैक्ट्स रहे जो मिड टर्म का पेपर खुद बनाते हैं, तो मेरे को इस तरह से पता चल गया। देखो होता क्या, मैं तो रियलिटी बता रहा हूँ, मिड टर्म का पेपर कहाँ बनता है कौन बनाता है। देखो मान के चलो यार, देखो मिड टर्म का मान लो तुम्हारी, तुम दिल्ली में रहते हो, दिल्ली में डीपीएस स्कूल में तुम पढ़ते हो। अब दिल्ली के डीपीएस स्कूल में, सारे सिटीज में ही होता, ऑल इंडिया में ही होता, दिल्ली के डीपीएस स्कूल में, दिल्ली में टोटल मान के चलो 30 डीपीएस होंगे, मैं मान के चलता हूँ दिल्ली में 3 डीपीएस है, 3 डीपीएस में या जितने भी डीपीएस है, जितने आसपास एक डीपीएस है उनमें क्या होगा, एक तुम्हारा 3 डीपीएस है उसमें एक स्कूल में तुम्हारा पेपर बनेगा, और एक स्कूल में तुम्हारा पेपर है, ये रियलिटी है, तुम जान लो, एक स्कूल में पेपर बनता है, यही पेपर तुम्हारे इस स्कूल में भी जाएगा और यही स्कूल में भी मिड टर्म का पेपर, और कोई स्कूल होगा तो वहां भी तुम्हारा पेपर चला जाएगा। तो एक स्कूल में बनता है, जितने आसपास के स्कूल सारे में बन जाता है। अब क्या भैया सारे स्कूल में अलग अलग पेपर बनता है, हाँ पेपर थोड़ा अलग हो सकता है, मैं तो रियलिटी बता, देखो होता क्या, अब देखो स्कूल में, अब इस स्कूल में एक रहता है पीजीटी, पीजीटी सारे स्कूल में नहीं पाए जाते, पीजीटी क्या होता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिनको 12 से 15 सालों का एक्सपीरियंस रहता है पढ़ाने का, वो पीजीटी बनाते हैं पेपर को। और वो पीजीटी कहाँ से पेपर बनाते हैं, वो पीजीटी सीबीएसई के सोर्स से पेपर बनाते हैं, क्योंकि वो खुद पेपर नहीं बना सकते, वो सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे पेपर बनाते हैं। ऐसे तो कोई पेपर बनाते हैं, हमारे मैथ के टीचर बोलते हैं पेपर तो मैं बनाने वाला हूँ, वो भी आर डी शर्मा से बनाने वाला हूँ, रियलिटी ये होती ही नहीं है, वो तो बोल देते कि वो तो चाहते आर डी शर्मा पढ़ दो, बोलते पेपर मैं बनाने वाला हूँ। एक स्कूल में कितने मैथ के टीचर होते हैं, 10 से 15 टीचर होते हैं, क्या सभी पेपर बनाते हैं, नहीं, पूरे स्कूल में ही पेपर नहीं बनता, पेपर बन रहा होता बाहर किसी जो पीजीटी टीचर, जो ग्रेजुएट टीचर, जिसको सेंस रहता है पेपर बनाना कैसे होता है, मिड टर्म का पेपर के नंबर बोर्ड में भी जुटते हैं, इसलिए इनको सेंस से बनाना पड़ता है। तो पीजीटी टीचर बनाता है, सीबीएसई सोर्स से बनाता है, अभी कोई सीबीएसई सोर्स के बारे में मुझे ही पता है, क्योंकि मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट है टीचर से। अब देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब देखो ये है तुम्हारा सीबीएसई सोर्स, मैथमेटिक्स मिड टर्म क्वेश्चन पेपर डिजाइन क्लास 10 2024-25। भाई साहब ये जो क्वेश्चन पेपर डिजाइन है ना भाई, डायरेक्ट इससे पेपर तुम्हारा डायरेक्ट बनने वाला है। अब कैसे भैया, जो टीचर्स मैं तुम्हारे मिड टर्म के पेपर बनाते हैं उनसे मेरे पर्सनल कॉन्टैक्ट, उनसे मुझे पता चला कि वो लोग क्या करते हैं, सीबीएसई की वेबसाइट से एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन निकालते हैं जो सिर्फ टीचर्स के लिए बनता है, और उन्हीं से ये क्वेश्चन उन्हीं के अकॉर्डिंग डिजाइन करते हैं, ये सीबीएसई की वेबसाइट में टीचर्स लोगों के लिए अवेलेबल रहता है कि कैसे क्वेश्चन पेपर डिजाइन करना, वो मैं तुम्हारे लिए उठा कर ले आया, और उससे तुम्हें पता चल जाएगा डायरेक्ट पेपर कहाँ से आ रहा होता है, ठीक है, इस बात की मेरी गारंटी है। पर उससे पहले यार क्या, बच्चे दो गलती करते हैं, पहले चीज बच्चे गलती क्या करते हैं ना, कि तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में ना बच्चे
क्या करते हैं, PYQ लगाने लगते हैं। PYQ अभी तुम्हें नहीं करना है, PYQ बहुत अच्छी चीज होती है, पर वो मिड टर्म एग्जाम में नहीं आती, वो आती तुम्हारी बोर्ड एग्जाम में। तो मिड टर्म एग्जाम में तुम कोशिश करो कि तुम सोर्स वाले क्वेश्चन लगाओ। PYQ करने से वो सिर्फ क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन होता है, वो बोर्ड में ही रिपीट होते हैं, तो बोर्ड में बहुत अच्छी चीज होती है PYQ, मिड टर्म में मत करना उसको। दूसरी चीज तुम्हारी RDRS इतनी मोटी बुक होती है, पर चैप्टर उसमें 500 क्वेश्चन रहते हैं, तो भाई 500 क्वेश्चन पर चैप्टर, भाई इतना टाइम है हमारे पास कि 7 चैप्टर में तुम लगातार करो, तो नहीं कर पाओगे उतना, तुम कभी भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हें ऐसे क्वेश्चन तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, जो पेपर आ रहा वही करना पड़ेगा तुम्हें, तुम ज्यादा करोगे तो कर नहीं पाओगे, इस बात की मेरी गारंटी, टॉपर भी वही करते हैं, ठीक है। अब टीचर को बोला था पेपर बनाने के लिए, तुम्हें क्या करना है, मिड टर्म का 80 मार्क्स का पेपर बनाना है, उसमें तुम्हें 50% सिलेबस डालना है। 50% सिलेबस डालना मतलब कि तुम्हारे 14 चैप्टर है टोटल, तो 14 का हाफ कितना होता है, 7 चैप्टर, तो 7 चैप्टर या 8 चैप्टर डालने, उसमें तुम्हें ये टाइपोलॉजी क्वेश्चन डालने, ये सबसे इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, टाइपोलॉजी क्वेश्चन तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम आने वाले। पहला टाइपोलॉजी तुम्हारा क्या है कि रिमेंबरिंग वाले क्वेश्चन डालने, उसमें तुम्हारा क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें हो, फॉर्मूला वगैरह हो, ठीक है, पहले वाले। दूसरा तुम्हारा क्या, बेसिक टर्म्स हो। दूसरा अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन तुम्हारा कि रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग। अब देखो इससे कुछ साबित नहीं होता, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन से कुछ साबित नहीं होता, तो मैं लग रहा भैया क्या बोल रहा है रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग, इसका मीनिंग ये होता, देखो यार मुझे 6 सालों को मैथ्स पढ़ाने का एक्सपीरियंस, इसका मीनिंग होता है इजी टाइपोलॉजी क्वेश्चन। तुम अपने किसी भी टीचर से जाकर पूछ लो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है इजी टाइप के क्वेश्चन, इजी वाले क्वेश्चन वो कहां से डालेगा। अब ये जो टाइपोलॉजी का पहला टाइपोलॉजी का क्वेश्चन होता है, वो तुम्हारा 43 मार्क्स का आता है मिड टर्म में, मतलब 80 में 43 मार्क्स का तुम्हारा ये आता है। अब ये क्वेश्चन कभी भी टीचर को बोला था कि इसको एनसीईआरटी के अंदर से ही डालना है, मतलब एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल के अंदर से ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा तुम्हें इसी में 43 मार्क्स में तुम्हारा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू वाले ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू आते हैं, जो तुम्हारी एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जांपलर की बुक से आते हैं। तो ये 43 मार्क्स में मतलब तुमने एनसीईआरटी कर लिया तो 43 तुम्हारे कंफर्म, इस बात की मेरी गारंटी है, मतलब 80 में से 43 मार्क्स का पेपर तुम्हारा इससे आ रहा होगा, स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों में, क्योंकि भाई साहब मिड टर्म में तुम्हारा स्टैंडर्ड और बेसिक दोनों का पेपर सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, क्योंकि भाई तुम्हारा पेपर जाके चेंज होगा तुम्हारा प्री बोर्ड में और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, लेकिन मिड टर्म में दोनों का पेपर सेम होता है सारे स्कूलों में। तो ये मत समझना कि मेरा बेसिक है तो मिड टर्म में मेरा बेसिक का पेपर हल्का आएगा, ये स्टैंडर्ड का भारी, एक ही पेपर बनेगा जो स्टैंडर्ड बेसिक दोनों बच्चों को मिलेगा, क्लियर वाली बात है, ठीक है। सेकेंडरी टाइपोलॉजी के तुम्हारा क्वेश्चन होता है कि अप्लाइंग वाले क्वेश्चन, अप्लाइंग सॉल्व प्रॉब्लम इन न्यू सिचुएशन बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज। अब ये नॉलेज वाले क्वेश्चन को बोला था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सबसे हार्ड क्वेश्चन भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, सबसे ज्यादा दिक्कत यही क्रिएट करते हैं, क्योंकि आधा पेपर तो इजी होगा, 80 में से 43 मार्क्स इजी हो गए, लेकिन अब तुम्हारे हार्ड क्वेश्चन बन गए, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन माने जाते हैं इसको, ये थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा आएगा 19 मार्क्स का तुम्हारा आ रहा है, ठीक है, 19 मार्क्स का तुम्हारा आएगा, ठीक है, तुम देख रहे हो ये 19 मार्क्स का आ रहा है। सेकेंडली तुम्हारा क्या आता है, अब देखो एनालाइजिंग वाले क्वेश्चन, एनालाइजिंग ब्रेक इन्फॉर्मेशन, एनालाइजिंग एवेल्यूटिंग और क्रिएटिंग। अब इसका मतलब तुम्हें समझ में आया, इसका मतलब होता है केस बेस्ड क्वेश्चन, एनालाइज करो, कोई पैराग्राफ दे दीजिए, एक फोटो दे दी गई और एक पैराग्राफ दे दिया गया और उसके साथ 3 क्वेश्चन दे दिएगा, 1, 2 और 3, अब भाई तुम करो आंसर। तो इसको एनालाइजिंग, इसको केस बेस्ड, ये भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का ही भाई होता है, जिसको हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं। ये 17 से 18 नंबर के करीब केस बेस्ड वाला सवाल, ये एमसीक्यू में भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इससे 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। तो ये केस बेस्ड वाले सवाल बनता है, तो मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 19 और 18 मिला के 37 नंबर के आ रहे हैं। अब भैया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे दिखते हैं, क्या होते हैं, मैंने तुम्हें कई बार बोल रखा यार कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के लिए एक अलग से बुक ले लो, क्योंकि वो एनसीईआरटी में नहीं होती, तुम लोग समझते ना, मैं 6 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं ऐसे ही बात नहीं करता। मैंने तुम्हें अभी कुछ दिनों पहले ये वाली बुक सजेस्ट कर रखी थी, ये वाली क्वेश्चन बैंक मैंने तुम्हें सजेस्ट, इसमें तुम्हारी मैथ्स की बुक थी, इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे, पर बच्चों ने बोला यार भैया ये वाली जो बुक है ना बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि इनका बंडल जो है 2400 का, तो कुछ ऐसा लाओ भैया जो पूरा अफोर्डेबल हो, हर बच्चा अफोर्ड कर पाए, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, पर ये अफोर्डेबल नहीं, बिल्कुल भी एक बुक 500-700 की बुक है, तो बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं, तो ऐसा कोई लाओ भैया अफोर्ड कर पाए, बिल्कुल हर बच्चा अफोर्ड कर पाए। तो इसलिए मैं आज के लिए तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट लाया हूं, तुम्हारे लिए मैं लेके आ रहा हूं एडुकार्ड के वन शॉट बुक। ये वन शॉट बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक है, इस बात की मेरी गारंटी, और ये बुक मैं तुम्हें इतनी ऐसी अफोर्डेबल प्राइस में देने वाला हूं, भाई किसी ने अभी तक तुम्हें नहीं दिया होगा। ये जो वन शॉट बुक में सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों चीजें, पहली चीज मेरी बात सुनो, इस बुक को आज का हमारा पहला सरप्राइज है, इस बुक को, ये जो तुम्हारी 400 की बुक है, इस बुक को हम लोग सिर्फ 299 में देने वाले हैं, और ये हम लोग सिर्फ 2 दिन के लिए डिस्काउंट दे रहे हैं। पहले तो मेरी बात सुनो, तीसरे दिन ये नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 दिन के लिए डिस्काउंट देने वाले हैं, और ये बुक बहुत ही बेहतरीन है। अब मैं तुमको दिखा रहा हूँ ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो यार ये जो बुक है तुम्हारी, इसमें मैंने सबसे पहले रियल नंबर खोल लिया, रियल नंबर में इसमें तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, देखो यार तुम्हें ये पैराग्राफ दिया गया, एक फोटो दी गई है, अब पूछा है इसका LCMSCF निकालना, नंबर ऑफ चेयर बताना, नंबर ऑफ चेयर, यहाँ बेंचेस चेयर लगे हुए और यहाँ SCMSCF बताना, तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, NCERT में नहीं मिलेगा, ये सीपो वाला क्वेश्चन, तो ये भी आंसर, ये सारे रियल नंबर के क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें करने चाहिए। दूसरी टाइप का सबसे डेंजर टाइपोलॉजी का क्वेश्चन होता है, वो तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन होता है। ये
केस बेस्ड क्वेश्चन भी हमने इसमें डाल रखे। देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन, ये तुम्हारे देखो केस बेस्ड क्वेश्चन, इसमें तुम्हें क्या एक पैराग्राफ दिया रहेगा, एक फोटो दिया रहेगा, तीन टाइपोलॉजी के क्वेश्चन दिए रहेंगे। ये देखो ये केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ फोटो दिया, तीन टाइपोलॉजी के क्वेश्चन इसी में दे दिएगा। यहाँ पर देखो अनन्या हैज फार्म हाउस, अब इसमें इतना लंबा पैराग्राफ और तीन टाइप के क्वेश्चन, एक फोटो दे दी गई। तो इस टाइप के तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। और तीसरी चीज, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डाल रखा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने इसमें डाल रखे। देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले और दीक्षा वाले एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू जो इससे बनते हैं। तो एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें एक बुक चाहिए होगी और वो ये वाली, क्योंकि इसमें देखो यार तुम्हें क्या करना, पर चैप्टर क्वेश्चन करना है, पर चैप्टर 50 क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। मतलब हमने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले, मतलब क्या है कि तुमने जैसे रियल नंबर की एनसीईआरटी की, रियल नंबर के बाद तुम्हें क्या करना, रियल नंबर उठा लेना। इसमें रियल नंबर में गिन के टोटल 50 क्वेश्चन दिए हमने, 50 क्वेश्चन मिला के तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे इसमें दिया हो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एनसीईआरटी छोड़कर सारी चीजें इसमें कवर। मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है लेकिन मेन फोकस इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसमें रखा गया, क्योंकि भाई देखो बाकी 37 मार्क्स तुम्हारी इस बुक पर डिपेंड करेंगे, इस बुक पर डिपेंड करेंगे बाकी के 30, क्योंकि वो जो क्वेश्चन बैंक उसमें कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन थे। इसमें हमने कम लेवल का क्वेश्चन डाल रखा, बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसे क्वेश्चन इसमें डाल रखे सीबीएसई सोर्स वाले, इसमें क्वेश्चन डाल रखे सीबीएसई सोर्स वाले क्वेश्चन, मतलब कि सीबीएसई सोर्स जहां से मैंने इसको निकाला इसी सोर्स के क्वेश्चन हमने यहां पर डाल रखे हैं, डायरेक्ट पेपर में तुम्हारे आ जाते। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें निकालना कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। इसमें गारंटी है, इतना अफोर्डेबल हमने बना दिया इस बुक को, सबसे ज्यादा अफोर्डेबल 299 में हमने दे दिया इस बुक को, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। मेरी गारंटी, इस बुक को मैं हम सिर्फ 2 दिनों का डिस्काउंट दे रहे हैं। इस बुक का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अगर तुम लोगे तो तुम्हें सिर्फ 299 में मिल जाएगा। ध्यान रखना सिर्फ 2 दिनों के लिए ऑफर है, तीसरे दिन ये ऑफर नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे लिंक पर ही ऑफर है और कहीं पर ही नहीं मिलेगा। बहुत सारे बच्चे मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे भैया हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, बहुत महंगी बुक है, तो इसमें डिस्काउंट दे रहा भाई 25% डिस्काउंट इस सिंगल बुक पर मैंने तुम्हें दे दिया। अगर तुम इसका बंडल लोगे, क्योंकि भाई मैंने साइंस वाली भी देखी, साइंस वाला मैंने क्वेश्चन पेपर डिजाइन देखा इसी टाइप का था, उसमें भी तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन सारी चीजें तुम्हारी आ रही थी। तो साइंस के लिए मैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अगर तुम्हें लगाना तो भाई ये बुक, इससे बेटर बुक नहीं होगा। ये भी 299 में तुम्हें मिल जाएगी। देखो साइंस वाली बुक, इसमें तुम्हारे क्या है, जैसे तुम चैप्टर स्टार्ट करोगे देखो तुम्हारा क्या है थोड़ा सा। अब देखो जैसे तुम्हारा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में स्टार्टिंग में ही तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। ये क्वेश्चन हर बार तुम्हारा आता है, जो यहाँ पर डाल रहा है सीबीएसई सोर्स का क्वेश्चन है, ठीक है पहली चीज। अब देखो हर बार मिड टर्म में आता है। दूसरी बात देखो ये वाला क्वेश्चन भी हर बार मिड टर्म में आता है, एक्स वाई वाला, देखो मैंने गोल करके रखा है, ये तुम्हारा केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो तो एकदम सेम पैटर्न, मैं साइंस का पेपर कहां से आएगा मैं बता दूंगा, पर बिल्कुल सेम पैटर्न से तुम्हारा मिड टर्म का पेपर आने वाला। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा यार कि अगर तुमने नहीं ले रखा है तो अभी 2 दिन का टाइम है भाई, जल्दी तुम जाकर लिखो, सिर्फ 299 में, सिर्फ 299। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा भाई, तुम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, तुम एक मैथ उठा लो, एक साइंस उठा लो, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ तुम मैथ और साइंस उठा लो। अगर तुम थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हो, थोड़ा सा अफोर्ड कर, देखो यार तुम्हें 299 मैथ का पड़ेगा, तुम सिर्फ मैथ चाहते हो तुम ओनली मैथ भी ले सकते हो। अगर तुम साइंस चाहते हो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड मैथ और साइंस दोनों में आ रहा, तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे तुम्हारे लिए, मैथ और साइंस के बुक। तो सिर्फ मैं तुम्हारे लिए सिर्फ 299 में, ये 400 की बुक है भाई, मैं सिर्फ तुम्हें 299 में दे रहा हूं सिर्फ मेरे लिए। पर ये तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट होगा, मैं दूसरे गिफ्ट के बारे में बताऊंगा, ये तुम्हारे लिए पहला गिफ्ट है, ठीक है एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस बुक को तुम लगा लोगे बिलम टॉपर बन जाओगे। दूसरी बात क्या, अगर कोई बच्चा बंडल लेता है 2 दिनों के डिस्काउंट में, अगर कोई बच्चा बंडल पूरा बंडल लेता है, मतलब तुम्हारा मैथ हो गया, साइंस हो गया, उसके बाद तुम्हारा एसएसटी हो गया, एसएसटी वाली बुक इसमें भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए, और तुम्हारा इंग्लिश हो गया, इन चारों बुक्स को अगर कोई बच्चा लेता है, पूरा बंडल लेता है, उस बंडल में 30% ऑफ हमने डाल रखा है। मतलब ये चारों बुक्स तुम्हें 1117 रुपीज में मिल जाएंगे सिर्फ। ये बुक का, ये पूरी बंडल का कॉस्ट 1600 रुपीज था भाई, पूरी बंडल का कॉस्ट हमने 1100 कर दिया भाई, सिर्फ 2 दिनों के लिए किया है। इसके बाद ये ऑफर तुम्हें नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, जबकि मेरी गारंटी है, मेरे लिंक में ये ऑफर है भाई, बिल्कुल सारी बुक सेल पर लगी हुई, बिल्कुल सेल पर हमने लगा दिया बुक को। तो भाई तुम जल्दी जाके इस बुक लिंक डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाके तुम इस बुक को ले लो अगर नहीं ले रखा, क्योंकि भाई अगर तुम नहीं चाहते, अगर तुम इतना नहीं ले सकते, तुम सिर्फ एक सिंगल बुक मैथ वाली भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 299 में तुम्हें मिल जाएगी। अगर तुम साइंस चाहते हो तो 299 में और मिलाकर 600 में मैथ और साइंस दोनों ले सकते हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो तुम लोग। अगर तुम पूरा बंडल लेना चाहते हो भाई, 1100 पूरा बंडल है, इससे अफोर्डेबल भाई हो नहीं सकता, 299 से अफोर्डेबल क्या मिलेगा भाई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टेंशन खत्म, तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी करना और इसको करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना, तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का टेंशन खत्म, ठीक है। तो हम लोग वीडियो में आगे आते हैं, लिंक तुम्हारे लिए डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर ले सकते हो, 299 से प्राइस है यार, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन है, जल्दी जाकर तुम कम से कम मैथ वाली बुक तो ले लो भाई, तुम कुछ मतलब मैथ और साइंस ले लिया करना, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आता है, तुम जल्दी जाकर ले लो, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 2 दिनों का ऑफर है, याद रखना तुम्हारे भैया के लिंक पर ही, और कहीं नहीं मिलेगा, 299 में कोई भी तुम्हें बुक नहीं देगा, इतनी अफोर्डेबल बना दिया मैं, तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन है, तुम जल्दी जाकर इन बुक को ले लो, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, उसके बाद क्या है कि हमने इन बुक्स में क्या डिटेल सॉल्यूशन भी डाला है, क्योंकि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बच्चों से बनते नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड और केस बहुत हार्ड, उसमें से एक एक स्टेप का डिटेल सॉल्यूशन भी डाला था, तो सारी चीजें हमने कर रखी है इस बुक में, ठीक है। उसके अलावा अब तुम्हें करना क्या, तुम्हारा 80 मार्क्स का पेपर, 3 आवर तुम्हें टाइम मिलेगा, उसके लिए क्वेश्चन पेपर डिजाइन मैंने क्या बताया कि 43 मार्क्स तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी से करना, मैं आगे समअप कर दूंगा,
43 मार्क्स तुम्हारे एनसीईआरटी से कंफर्म और 37 मार्क्स मैंने जो बुक बताई उससे तुम्हारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों कवर हो जाएंगे। तो इससे करने से 43 और 37 मिला के तुम्हारे 80 में 80 कंफर्म हो रहे होंगे। क्लियर बात। अब हम लोग बात करेंगे हमारे आज के दूसरे सरप्राइज के लिए। दूसरे सरप्राइज हमारा क्या है? बिगेस्ट लॉन्च पेपर लीक सीरीज फॉर मिड टर्म एग्जाम। बहुत सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है हमें कि मिड टर्म एग्जाम में हमारा पेपर लीक कर दो भैया, हमारा पेपर लीक कर दो भैया, हमारा पेपर लीक कर दो भैया। इस वीडियो में तुम्हें बता दे रहा हूं, इस बात की गारंटी है भाई कि इस बार तुम्हारा मिड टर्म का पेपर लीक आने वाला है, नेक्स्ट मंथ ही आने वाला है। तो बिगेस्ट लॉन्च है, इसमें हम लोग क्या क्या पेपर लीक करेंगे? मैथ करेंगे, साइंस करेंगे, एसएसटी करेंगे, इंग्लिश करेंगे, हिंदी करेंगे, आईटी करेंगे और मिड टर्म के सिलेबस पर करेंगे। क्यों? क्योंकि यार देखो ये जो पेपर लीक है इस बार की मेरी गारंटी है तुम्हारी 98% श्योर कराएगा। क्योंकि भाई हमने जो प्रायोरिटी टेस्ट का पेपर लीक किया था मैं तुमको दिखा रहा हूँ, एक एक बच्चे के 98% आ जाएंगे। प्रायोरिटी टेस्ट का जो हमने पेपर लिखा था बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आए, इनका 80% साइंस का पेपर सेम आ गया, इनका पूरा लीनियर इक्वेशन है बैट वाला क्वेश्चन सेम आ गया, इस बच्चे का पूरा 19 out of 20 नंबर के क्वेश्चन पूरे सेम आ गए, मतलब 19 out of 20 इन्होंने स्कोर किया, पूरे क्वेश्चन इससे सेम आ गए। तो प्रायोरिटी टेस्ट में कहीं ना कहीं हमारे लिए पेपर थोड़ा प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है क्योंकि भाई तुम्हारा टीचर पेपर बना रहा होता है, हमें तो आइडिया नहीं कैसे बनाएगा, लेकिन तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम में एक्यूरेट पेपर बताऊंगा, बिल्कुल एक्यूरेट इस तरीके पेपर बताऊंगा। कहाँ गया? एकदम इसी क्वेश्चन पेपर डिजाइन से मैं बिल्कुल पेपर बता रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे टोटल मैं बता दूंगा मिड टर्म के पेपर से। शर्त ये रहेगी भाई, देखो मैं सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं बता सकता एक वीडियो में, तो तुम्हें क्या बुक लेके प्रैक्टिस करनी होगी पहले। अंत में मैं गारंटीड क्वेश्चन बता दूंगा, गारंटीड क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे वो मैं बता दूंगा। तो पेपर लीक वाली वीडियो में सारी चीजें बता दूंगा क्योंकि भाई देखो पेपर लीक वाली वीडियो में अगर तुम उसको इतना करने का और उसको 98% तुम्हारे गारंटी हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट में, मतलब मिड टर्म में 98 आ जाएगा, बोर्ड में तुम और इजीली ले आओगे। क्योंकि जो बच्चा मिड टर्म में 70% लाता है ना, तो मेरी स्टूडेंट ले लो, मैंने मिड टर्म में 74 रखे थे, तो 70 बोर्ड में मेरे कितने हैं 90, तो भाई तुम मिड टर्म में अगर 70 या 80 या अगर तुम गलती से 90 मिड टर्म में ले आना बोर्ड में 98 तो गारंटी हो जाएंगे भाई, और 98 मिड टर्म में ले आया तो बोर्ड में भाई तुम इंडिया टॉपर बन जाओगे। तो ये तुम दिमाग में रखना कि मिड टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के पेपर लीक सीरीज आएंगे। पिछली बार हमने प्री बोर्ड में लाया था भाई, उसको 1.2 मिलियन बच्चों ने देखा, अभी 1.1 तुम्हें दिख रहा है, ये पुरानी फोटो, इसको 1.2 मिलियन बच्चों ने देखा, 12 लाख बच्चों ने देखा। उसके बाद सबका पेपर सेम आया, लिटरली पेपर प्री बोर्ड का मैच हो गया था। इनको मैंने पहले बोल रखा था कि एनसीईआरटी करने क्या क्या स्ट्रेटेजी बताना, बाकी पेपर लीक करने के बाद इनका पूरा पेपर मैच हुआ भाई, एक क्वेश्चन इन्होंने नहीं छोड़ा, पूरे एकदम इंडिया टॉपर बन गए सारे बच्चे, मैंने तुमको पहले बताया। दूसरी बात क्या कि हमारा एसएसटी पेपर लीक, इसको 3.5 लाख बच्चों ने देखा, साइंस पेपर लीक 4.5 लाख बच्चों ने देखा, इंग्लिश पेपर लीक 2 लाख, सारे बच्चों ने इनको देखा था पिछले साल और सारे के सारे बच्चों का पेपर बिल्कुल सेम आ गया था। तो मैं इस बार भी चाहता हूँ अगर तुम्हारा पेपर सेम आ जाए, बिल्कुल इस बात की गारंटी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं यार। आगे क्या है कि मैं अब 1 मंथ में भैया कंप्लीट मैथ सिलेबस इन 1 मंथ, अब भैया 1 मंथ में मैथ के सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें ये हमें बता दो, क्योंकि सबसे हार्ड टास्क होता है अगले 1 मंथ। तो अगस्त, पूरा अगस्त ध्यान रखना, मैथ के पेपर में 80 में 80 लाना भाई, अगस्त तुम्हारे हाथ में। ठीक है, अगस्त तुम्हारे हाथ में, अगस्त में तुम जो करोगे, तुम चाहो तो भाई तुम 98 ले आओगे, तुम चाहोगे भाई तो तुम्हारे कुछ भी नहीं आएंगे, तो वो तुम्हारे पे डिपेंड करेगा तुम क्या करने वाले हो, इस बात की मेरी गारंटी है। तो तुम पर डिपेंड करेगा भाई तुम कितना लाना चाहते हो, तुम कुछ नहीं करोगे तुम्हारे नंबर नहीं आएगा, तुम सब कुछ कर लोगे क्लास में तुम पूरे आगे निकलोगे। अब करना कैसे, देखो ये मैं बता दे रहा हूं, बताना मेरा काम है, बाकी करना तुम्हें। ठीक है, बुक हमने निकाल दी, बुक निकालना हमारा काम था, बताना मेरा काम था, पेपर लीक करना मेरा काम है, मैं पेपर लीक रात के 2-2 बजे तक पेपर लीक करता हूं, तो वो मेरा काम है, पर मेहनत तो तुम्हें करनी होगी भाई, सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं तो तुम्हें मेहनत तो करनी होगी कम से कम। अब देखो करना क्या, तुम सुनो, सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी उठा लेना है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल एक क्वेश्चन एकदम रट लो, घोट लो भाई, बिल्कुल नहीं छोड़ना, एनसीईआरटी छोड़ना पाप है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज एग्जांपल क्लास 10 में, तो गलती से भी मत छोड़ना। 43 मार्क्स कंफर्म करा, तुम 40 समझ लो ना यार, 40 मार्क्स तुम समझ लो कंफर्म है, 40 मार्क्स तुम्हारे कंफर्म है, तो इसको तुम कर लोगे। तुम करोगे कैसे मैं तुमको बता रहा हूं, जैसे मैंने तुमको तुम्हारे 7 चैप्टर है, तुमने क्या क्या पहला चैप्टर निकाला तुमने रियल नंबर, तुमने चैप्टर नंबर 1 निकाला, इससे चैप्टर नंबर 1 तुमने निकाला जो कि तुम्हारा रियल नंबर है, रियल नंबर है। अब रियल नंबर तुमने क्या क्या एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और एग्जांपल मिलाकर उसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, इजीली 15 क्वेश्चन तुम लगा लोगे, तो उसमें तुमने 15, उसके बाद तुम क्या करोगे, तुम फटाक से जंप कर जाओगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो तुम्हारे पेपर में आ रहा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन और तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाले जो एमसीक्यू आते हैं। क्या भैया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमारे पास है, उसके बाद भी क्या हमें ये वाली बुक लेने की जरूरत है? तो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक दिक्कत, उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं, क्योंकि सीबीएसई की बुक है, बुक बहुत अच्छी है, बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पर क्या है कि उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े नहीं है, क्योंकि सीबीएसई नहीं डालता उसमें, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन अलग से बनाने पड़ते हैं, वो मैंने इस बुक में बनाकर रखी है। तो इस बार की मेरी गारंटी इससे पेपर डायरेक्ट। तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें सबसे पहले करना क्या, ये बुक ले ली,
ये बुक ले लिया, इस बुक को उठाया, सबसे पहले रियल नंबर खोला, रियल नंबर खोला, रियल नंबर तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पर चैप्टर 50 क्वेश्चन है, पॉलीनोमियल सिर्फ 25 क्वेश्चन ही है यार, तो रियल नंबर 50 क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिया, पहले पेज में पूरे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भरे हुए, तुमने एनसीईआरटी करने के बाद कॉम्पिटेंसी बेस्ड, फिर तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन आ गए चार और पांच नंबर वाले, फिर तुमने उसको कर लिया, सारी केस बेस्ड क्वेश्चन कर लिया, फिर तुमने क्या किया, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए एनसीईआरटी एग्जांपलर वाले, फिर तुमने उसको कर लिया, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एक दो है वो कर लिया, उसका तुम्हारे के रूट वाले क्वेश्चन है वो तुमने कर लिया, उसके बाद तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन यहां पर भी वो तुमने कर लिया, और इसमें हमने क्या कर रखा, सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसमें क्या कर रखा, पूरे सॉल्यूशन डिटेल में देखो, सॉल्यूशन जितने क्वेश्चन तुमसे नहीं बने सब के एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन देखो, डिटेल में हमने सॉल्यूशन डाल रखे, एक एक पैराग्राफ एक एक लाइन सॉल्यूशन, किसी बच्चे से क्वेश्चन ना बने तो उसको दिक्कत ना, पहली चीज, तो यहां से तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन मैंने तुम्हें दिखाया, केस बेस्ड क्वेश्चन हार्ड वाले जो केस बेस्ड क्वेश्चन आते, देखो ये पैराग्राफ मिलेगा और यहां पर तुम्हें तीन क्वेश्चन, ये सीबीएसई सोर्स से निकाले गए क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट तुम्हारे मिड टर्म में आएंगे, मिड टर्म टीचर डायरेक्ट सीबीएसई सोर्स से क्वेश्चन आता है, सीबीएसई सोर्स से निकाले गए क्वेश्चन, तो वो मिड टर्म में तुम्हारे आने वाले, मेरी गारंटी है, ठीक है, तो यहां तुम कर लोगे, उसके बाद मैं पेपर लीक कर दूंगा और तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा, तुम्हें कुछ करने पर ध्यान रखना यार, तुम्हें पहले क्या करना, तुम्हें पहले एनसीईआरटी के 43 मार्क्स कंफर्म करने, मतलब तुमने रियल नंबर किया, 15 क्वेश्चन लगा ले, 15 क्वेश्चन लगाने में तुम्हें कितने एक दिन लगेंगे, उसके बाद तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए, केस बेस्ड क्वेश्चन करने के लिए, और तुम्हारे क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन भी इसमें है, उसको करने के लिए तुम्हारे क्या है, ये वाली बुक मैंने तुम्हें सजेस्ट कर दी, बहुत ही बेहतरीन बुक है, इसको अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे होंगे, पहली चीज ये, इसमें तुम्हारे क्या 50 क्वेश्चन है, 50 में तुम्हारे 20 एमसीक्यू, मतलब तुम्हें 30 क्वेश्चन करने होंगे, तो एक चैप्टर करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम आरडीआरएस करो, मोटी बुक है, उसको अगर तुम करो भाई 500 क्वेश्चन तुम कहां से कर पाओगे, इसमें तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं, वहां 500 क्वेश्चन करने, बहुत डिफरेंस है, तो टोटल में आकर तुम्हारा कितना एमसीक्यू अगर तुम हटा दो 15 और 30 तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम्हें 45 क्वेश्चन करने रहेंगे टोटल, तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा 45 क्वेश्चन, अब मैं जब पेपर लीक करूंगा तो मैं गारंटीड क्वेश्चन बता दूंगा, और गारंटीड क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी से ही बताता हूं, और कुछ तुम्हारे कॉम्पिटेंसी वाले बता दूंगा, तो अगर तुम इतना करके रखोगे तो पेपर लीक के लिए तुम रेडी रहोगे, पेपर लीक मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं बता सकता, जो इंपॉर्टेंट एकदम छपने वाले वो मैं बता सकता हूं, तब तुम्हारे 98 आएंगे, तो प्रिपेयर तो तुम्हें करके रखना पड़ेगा, सारी चीजें तुम्हें करनी पड़ेगी, इस बात की मेरी गारंटी, लेकिन भाई सब 37 मार्क्स जो तुम्हारा 43 तो तुम्हारे एनसीईआरटी आ जाएंगे, लेकिन 37 मार्क्स तुम्हारा ये बुक डिसाइड करेगा, ये तुम्हारे 37 मार्क्स आ रहे होंगे नहीं आ रहे, इसलिए मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करूंगा यार कि हमने अगर तुम इतना कर लोगे, पहले मैं तुमको क्लियर कर दूं, इतना तुम कर लोगे 43 37 तुम्हारे 80-80 कंफर्म हो जाएंगे पेपर में, इस बात की मेरी गारंटी, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन केस बेस्ड सारे कवर हो जाएंगे, इसलिए मैंने सिर्फ 2 दिनों के लिए तुम्हारे लिए डिस्काउंट दिया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ही हमने खत्म कर दिया, इससे बोर्ड एग्जाम लेवल तक इससे बाहर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आना, 37 मार्क्स तुम्हारे पूरे 80-80 कंफर्म वाला, तो 299 से प्राइस है, सिर्फ 2 दिनों के लिए मैं ऑफर दे रहा हूं, तीसरे दिन ही ऑफर नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे लिंक पर ऑफर, ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें ऑफर, तो सिर्फ ये मेरे लिंक पर ऑफर है, सिर्फ 2 दिनों के लिए मैं ऑफर दे रहा हूं, तो लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाकर तुम इस बुक को ले सकते हो, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन है, और तुम चाहो तो तुम साइंस भी ले सकते हो, साइंस भी तुम्हें 299 मिलेगा, और तुम चाहो तो भंडार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम चाहो तो भंडार भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर सिर्फ 299 में इतना अफोर्डेबल कोई नहीं देगा भाई, 300 पेजेस की बुक्स में 299 सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सारे केस बेस्ड क्वेश्चन, सिर्फ 2 दिनों के लिए ऑफर है, तुम्हारे भैया के लिंक में, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 2 दिनों के लिए ऑफर है भाई, इसके बाद ये ऑफर कभी नहीं आने वाला, कोई तुम्हें इतना डिस्काउंट नहीं देगा, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन, जल्दी जाकर इस बुक को ले लो, इससे पहले ऑफर खत्म है, सिर्फ 2 दिन के लिए ऑफर है, तीसरा दिन ऑफर नहीं रहेगा, सिर्फ 299 मिलेगा, लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में, मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।